दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू गोभी मसाला। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होगी। आप चपाती और राइस के साथ इसको बहुत ही मज़े लेके खा सकते हो और सिंपल से स्टेप्स के साथ तैयार होने वाली है, तो देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले गोभी को फ्राई करेंगे। तो गोभी को मैंने हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छे से धो के ले लिया था। अब हम इसमें तेल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी 80-90% गोभी इसमें पक जाएगी। देखिए ये पक चुकी है, अच्छे से गोल्डन हो चुका है। हम इसे निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू काट के डाला है। इसे भी हम अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे, तो ये भी हमारा कम से कम 3/4 पक जाएगा। तो देखिए आलू पक चुका है, अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल के बाहर रख लेते हैं। अब इसी तेल में हमने आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा अच्छे से चटकेगा। तब हमने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। दोस्तों प्याज को धीमे से मीडियम आंच पे रख के इसको हल्के से गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। तो देखिए प्याज ने अपना हल्का सा रंग चेंज कर लिया है। इस समय हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। मीडियम टू लो आंच पे ही हम इसे भून के तैयार करेंगे। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। तो आधा चम्मच हींग मैंने ली है। हींग डाल के हींग को भी अच्छे से भून लेंगे हम। अब हम मसाले डालेंगे। तो उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे। इस समय हम गैस की आंच को धीमी ही रखेंगे, धीमी आंच पे ही मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छे से भून के तैयार हो जाए। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दें क्योंकि ये थोड़ा ड्राई मसाला लग रहा है। इसको हल्का सा हमारे स्मूथ बनाना है ताकि हमारी जो आलू और गोभी है उसमें अच्छे से इसमें मिक्स हो सके और वो मसाला जो है वो बढ़िया से कोट हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो ऑयल छोड़ने लगा है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब इस कंडीशन में आप इसमें हमारे जो पके हुए आलू और गोभी है वो ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करें। देखिए मसाला पूरी तरह से हमारे आलू गोभी में कोट हो चुका है। तो इसी तरह अच्छे से आप चलाइए। अब इसमें आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स करें। हमारे आलू गोभी ऑलमोस्ट 3/4 पक चुकी थी, इसलिए अब हम इसके 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारी सब्जी परफेक्टली तैयार हो जाए। तो आप इसे बराबर चलाते रहे और 3 से 4 मिनट और हम इसे पकने देंगे। अब बस अब इसमें गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हमारी जो सब्जी है वो बनके तैयार है। तो बस देखिए हमने हरा धनिया डाल दिया है, अच्छे से आप इसे मिक्स कर दें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब जो है हमारी गोभी आलू बनके तैयार कर दी है। तो दोस्तों ये एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें। देखिए आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। चपाती या चावल दोनों में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।